मॉर्निंग क्लास। आज का अपना टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिन ग्रेन। अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे कि माइक्रोस्पोरिंजिया क्या होता है, उसके अंदर माइक्रोस्पोर्स का डेवलपमेंट होगा, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माइक्रोस्पोर है, क्योंकि माइक्रोस्पोर ही जो है डेवलप होके आगे चल के फीमेल फ्लावर में स्टिग्मा के ऊपर जाएगा और वहाँ पे पॉलिनेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो इसको हम देखो, ये जो पॉलिन ग्रेन है इसका दूसरा नाम माइक्रोस्पोर भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर या फिर स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिन ग्रेन, इनका मतलब सेम है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, और मैंने आपको बता ही दिया था कि माइक्रो मीन्स स्मॉल, और स्मॉल कौन होता है? मेल गैमेट। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, और मतलब पॉलिन ग्रेन जो है इसी को हम माइक्रोस्पोर कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों नाम में से किसी भी एक से आएगा आपको क्वेश्चन, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्वेश्चन को समझना है और फिर उसका आंसर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको बोर्ड पे दो डायग्राम दिख रहे हैं, दोनों के दोनों माइक्रोस्पोर के ही डायग्राम। ठीक है, दोनों माइक्रोस्पोर के डायग्राम हैं, और जो आपका ए डायग्राम है ये स्कल्पचर्ड है और ये इसका सेक्शनल व्यू है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिन ग्रेन, या फिर बोल सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये हमको मैंने दो डायग्राम यहाँ पे बनाए हैं आपको समझाने के लिए, बुक में भी दो डायग्राम ही दिए हुए हैं। ये इसका माइक्रोस्कोप का एक्सटर्नल डायग्राम है, यानी कि मॉर्फोलॉजिकली बाहर से देखने पर ये हमको इस टाइप का दिखाई देता है। ठीक है, इसमें ये वाला पार्ट इसका जर्म पोर है, ये जो जर्म पोर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपको पेपर में जब डायग्राम या क्वेश्चन आएगा तो दोनों डायग्राम आपको बनाना कंपलसरी है। ठीक है, और ये इसका स्कल्पचर्ड व्यू है, बाहर से पॉलिन ग्रेन सेम इस टाइप का दिखाई देगा। ठीक है, अब जब हम इसका सेक्शन कट करेंगे तो हमको इसके फॉलोइंग पार्ट्स दिखाई देते हैं। आपको ये डायग्राम तो देखिए सिंपल है। ठीक है, यहाँ पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें मिस्टेक कोई नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर हम माइक्रोस्पोर के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, यूनिन्यूक्लिएट होता है, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि यूनिसेलुलर क्या होता है, यूनिन्यूक्लिएट क्या होता है, है ना, क्योंकि अपन लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि यूनिन्यूक्लिएट मतलब ओनली वन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ठीक है, ओनली वन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, तो यहाँ पर हम बात करते हैं। देखिए, ये वाला जो डायग्राम है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहले आप डायग्राम को समझ लीजिए। यहाँ पे हमको ये पूरा माइक्रोस्पोर का डायग्राम है, जब माइक्रोस्पोर का टीएस करते हैं हम, सेक्शन कट करते हैं, तो इसमें हमें फॉलोइंग पार्ट्स दिखाई देते हैं। माइक्रोस्पोर के चारों तरफ दो वॉल होती हैं। ठीक है, ये दो वॉल का नाम है एक्साइम और इंटाइम। एक्साइम कैसी होती है? ये वॉल थिक होती है। ठीक है, जबकि ये वॉल कैसी होती है? थिन होती। और डायग्राम को देखने में पता चल रहा है कि ये जो कर्व शेप की मैंने वॉल बनाई है, ये क्या है? इट इज अ एक्साइम। आउटर लेयर होती है, थिक होगी, देन अंदर वाली जो लेयर आपको दिख रही है, जो अंदर से कर्व हमें दिखाई दे रही है, ये क्या है? इंटाइम। ये थिन होती है, अंदर की तरफ होती है। ठीक है, अब एक्साइम किसकी बनी हुई है? एक्साइम जो है ये स्पोरोपोलिन की बनी है। एक्साइम स्पोरोपोलिन की बनी है, और इसके दो पार्ट होते हैं, इसी एक्साइम के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से पार्ट होंगे? इसके पार्ट होते हैं, अच्छा एक मिनट रुक जाइए आप लोग, मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रही हूँ, जिसको अगर आप एक बार लर्न कर लेंगे तो फिर आप भूल नहीं सकते और आपको रटने की जरूरत नहीं है। ये कैसा स्ट्रक्चर है? यूनिन्यूक्लिएट, यानी कि यहाँ पर सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है,
सिंगल सेल दिख रही है हमको, है ना। और यहाँ पे एक्साइम दिख रही है, इंटाइम दिख रही है। एक्साइम जो है स्पोरोपोलिनिन की होती है, ठीक है, स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। और एक्साइम के दो पार्ट होते हैं, एक्साइम के दो पार्ट होते हैं जिसका नाम मैं नीचे लिख देती हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। इसके दो पार्ट होते हैं, एक्टेजाइम और एंडोजाइम, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एक्टेजाइम है इसके भी थ्री पार्ट्स होंगे, ठीक है, इसके भी तीन पार्ट्स होंगे। कौन कौन से? एक्टम, बैक्यूलम एंड फुट लेयर, ठीक है। अब एक्साइम जो है कैसी है? इट इज अ थिक लेयर, आउटर में प्रेजेंट रहती है, स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, पोलिन ग्रेन को रेजिस्ट करने का काम करेगी। इंटाइम जो है थिन लेयर है, अंदर की साइड प्रेजेंट होती है। और ये किसकी बनी है? ये बनी है पैक्टिन की एंड सेलुलोज, ठीक है। यानी कि एक्साइम बनी है स्पोरोपोलिनिन की, जबकि इंटाइम बनी है पैक्टिन और सेलुलोज की। एक्साइम थिक होती है और इंटाइम कैसी होती है? थिन होती है। यहाँ पे देखिए डायग्राम में अपन को तीन तरफ जर्म पोर दिख रहा है, एक तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? जर्म पोर बोलते हैं। अंदर की साइड हम देखते हैं बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। नीचे की साइड आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये तो अपना हो गया माइक्रोस्कोप के स्ट्रक्चर का डायग्राम, ठीक है। अब यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है, यूनिसेलुलर होता है। यहाँ पे दो लेयर्स होती हैं, एक्साइम एंड इंटाइम। एक्साइम थिक होती है, स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, पोलिन ग्रेन को रेसिस्ट करने का काम करेगी। इंटाइम जो है इनर लेयर है, थिन लेयर है, पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। एक्साइम जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक्टेजाइम और एंडेजाइम। एक्टेजाइम के भी थ्री पार्ट्स होते हैं, टेक्टम, बैक्यूलम, फुट लेयर, ठीक है। एंडेजाइम का कुछ भी कोई भी पार्ट में डिवाइड नहीं है, तो उसके बारे में हमें नहीं पढ़ना। यहाँ पे हमको थ्री साइड जर्म पोर दिखाई देते हैं। नीचे की साइड न्यूक्लियस होता है और मिडिल में क्या होता है? वैक्यूल होता है। अब ये जो पोलिन ग्रेन है धीरे धीरे अपनी साइज को इंक्रीज करता है और ये जो वैक्यूल है मिडिल में चला जाएगा और न्यूक्लियस सेल के एक साइड पहुंच जाएगा। देन इसके बाद डिवीजन होगा। इसके बाद जब न्यूक्लियस सेल के वन साइड चला जाएगा तो फिर यहाँ पर डिवीजन होगा, ठीक है, क्योंकि अभी माइक्रोस्पोर का फुल डेवलपमेंट होना बाकी है। इसी से मेल गैमेट अभी इसी से बनेगा, ठीक है। मेल गैमेट अभी बना नहीं है, इसी से बनेगा क्योंकि इट इज अ सिंगल सेल, ये तो सिंगल सेल है अभी, ठीक है। इसी से अभी मेल गैमेट का डेवलपमेंट होना है। तो ये वाला जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ पोलिन ग्रेन, ठीक है। और आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोनों डायग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। अब देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं पोलिन ग्रेन के स्ट्रक्चर में डेंस साइटोप्लाज्म, ये वाला जो पार्ट आपको जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। कैसा? डेंस, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करते हैं पोलिन ग्रेन के साइटोप्लाज्म के बारे में, तो इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ER, डाइसाइटोसोम, ये ऑर्गेनेल इसमें प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे शो नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे इनका इतना इम्पोर्टेंस है नहीं, लेकिन पोलिन ग्रेन के स्ट्रक्चर में ये पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये मैंने आपको स्टेज बता दी है जब माइक्रोस्पोर में डिवीजन होना है। माइक्रोस्पोर में डिवीजन से पहले
वो अपने साइज को इंक्रीज करता है, जिससे क्या होगा, वैक्यूल जो था उसका साइज भी इंक्रीज होगा और वो मिडिल में आ जाएगा धीरे धीरे। और जो न्यूक्लियस जो है वो सेल के वन साइड चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इसमें डिवीजन होना है, अब इसमें डिवीजन होना है तभी तो यहाँ पर फिर मेल गैमेट बनेगा। ये मेल गैमेट से बनने, मेल गैमेट के बनने से पहले जो सेल है, हम बोल सकते हैं सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर। ठीक है, अभी यहाँ पे मेल गैमेट बना नहीं है, इसी से बनेगा, क्योंकि नाम ही क्या है इसका, माइक्रोस्पोर। स्पोर है ना, ये अभी स्पोर के फॉर्म में है। ऐसे ही कई सारे माइक्रोस्पोर जो हैं उनका, उनसे क्या बनेंगे, मेल गैमेट बनेंगे, लेकिन वो सारे के सारे डीजनरेट हो जाते हैं। सिर्फ एक ही मेल गैमेट, सिर्फ एक ही मेल गैमेट जो है वो स्टिग्मा पे जाता है। ठीक है, ऐसे ही जैसे मैंने आपको सिंगल पॉलिन ग्रेन का पूरा स्ट्रक्चर बताया है, ऐसे बहुत सारे पॉलिन ग्रेन्स जो हैं एंथर के अंदर बनते हैं। ठीक है, बहुत सारे बनते हैं, लेकिन वो सब डीजनरेट हो जाते हैं, क्योंकि सिंगल माइक्रोस्पोर को ही अच्छे से डेवलप होना है। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें एंजाइम इंटाइम, इसके पार्ट्स किसकी बनी है, इनके फंक्शन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आप अच्छे से याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और दोनों डायग्राम आपको बना के आने हैं पेपर के टाइम पर। ठीक है।